और इसमें मिलिट्री का चैप्टर है, मिलिट्री का चैप्टर है चैप्टर 29 प्रिपेयर अगेंस्ट वॉर, और दूसरा है चैप्टर 24 इंप्रूविंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया। तो चैप्टर 24 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि चीन की सेना और भारत की सेना का मैंने कंपैरिजन दिया है, जो कि आप देख सकते हैं सेक्शन 24.6 में, 24.7 में कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कितने किए हैं। भारत ने 2 किए हैं, पोखरान 1 पोखरान 2, और उसमें भी यदि सब एक्सप्लोजन गिन लो तो भारत ने 4 किए, 6 किए हैं। चाइना ने कितने किए हैं, 45। एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चाइना ने कितने किए, 22। हमने कितने किए, 0। सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कितना किया है चाइना ने, 4300 किलोटन, 4300 किलोटन, हमारा 45 किलोटन। यानी चीन ने जो एक्सप्लोजन किया है वो हमारे एक्सप्लोजन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था। न्यूट्रॉन बॉम्ब चाइना के पास है, भारत के पास न्यूट्रॉन बॉम्ब नहीं है। और दूसरा, भारत की सेना में सैनिक कितने हैं, 14 लाख, चीन की सेना में 22 लाख, और चीन में करोड़ों युवकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है, फुल मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। 3 साल 5 साल का कोर्स होता है, वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस हिसाब से चाइना में मिलिट्री रेडी यूथ कितना है, वो करोड़ों की संख्या में जाता है, रेगुलर आर्मी 22 लाख का है। फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन चाइना के पास है 9300, हमारे पास है 3000, और चाइना है वो फाइटर प्लेन बनाता है, यानी उसको एक फूंक गया तो वो 10 बना सकता है, क्योंकि उसके वहीं फैक्ट्रियां हैं, जबकि हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं। यानी युद्ध के टाइम एक एक प्लेन की कीमत 10 गुनी हो जाएगी। फिर नेवी के जहाज हमारे पास 145 है, चाइना के पास 280 से ज़्यादा है, और चाइना के नेवी के जहाज ज़्यादा बड़े हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पास 50 है, चाइना के पास 200 है। हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो डिप्लॉय हो उसकी रेंज कितनी है, मैक्सिमम 2000, चाइना की रेंज है 12000। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग सबमरीन, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, वो उसमें न्यूक्लियर इंजन है, उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड यानी न्यूक्लियर मिसाइल रखने की कैपेसिटी नहीं है। चाइना के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो 4 है। क्रूज मिसाइल है वो चाइना मैन्युफैक्चर करता है, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेसर गाइडेड बॉम्ब चाइना 1990 से मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेसर गाइडेड बॉम्ब मिसाइल। हमारे पास कारगिल का वॉर हुआ 1998 में, तब हमारे पास लेसर गाइडेड बॉम्ब और लेसर गाइडेड मिसाइल थे ही नहीं, यदि होते तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। इतना ही नहीं, लेसर गाइडेड बॉम्ब उसके बाद हमने फ्रांस से खरीदे, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें फ्रांस गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि कारगिल युद्ध 90% ख़त्म हुआ, 90% ख़त्म हुआ, यानी कि एक जो पर्वत है वो आज भी पाकिस्तान के अंडर में है। 0.5353 बोलते हैं उसको, 0.5353 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह इतने सारे पर्वत है कि नाम नहीं दिए जाते, उसके जो उसका शिखर होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है, वही उसका नाम बन जाता है। तो एक पर्वत है 5353, यानी कि समुद्र तल से 5353 मीटर ऊंचा, तो उसको 0.5353 बोलते हैं। वो भारत का हिस्सा था और वो कारगिल के टाइम पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया, और बाद में पाकिस्तान ने उससे सैनिक नहीं हटाए, तो वहाँ पर सैनिकों का, भारत के सैनिकों का जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है और नीचे सारा मैदानी इलाके, मतलब सैनिक जाएंगे तो ऊपर जो पाकिस्तान के सैनिक बैठे हैं वो उनको गोलीबारी से आसानी से मार देंगे। तो लेसर गाइडेड बम फेंक के जो पाकिस्तान के सैनिक 5353 पे बैठे थे उनको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन फ्रांस की सरकार ने लेसर गाइडेड बम फेंकने की परमिशन नहीं दी, हम वहाँ पर लेसर गाइडेड बम नहीं फेंक पाए। कारगिल के टाइम हमने जो फ्रांस से लेसर गाइडेड बम खरीदे उसका सैटेलाइट कंट्रोल फ्रांस गवर्नमेंट के पास था, हमारे पास नहीं था। यानी लेसर गाइडेड बम है वो भारत का एयरप्लेन फेंकेगा, क्योंकि भारत को प्रजा को दिखाना नहीं है कि हमने हमारा फ्रांस की के एयरफोर्स हमें मदद कर रहा है। तो लेसर गाइडेड बम है वो फ्रांस ने दिया, उस पर लिपापोपती करके भारत के मिलिट्री का, भारत की एयरफोर्स का साइन बना दिया, भारत के एयरफोर्स के प्लेन पे डाला, प्लेन ने उसको फेंका, लेकिन फ्रांस का सैटेलाइट उसको गाइड कर रहा था कि तुम्हें यहाँ पे गिरना है या नहीं गिरना है। यानी फ्रांस का सैटेलाइट यदि हमारी मदद ना करे तो हम वो लेसर गाइडेड बम है वो यूज़ नहीं कर सकते। और उसकी वजह से चीन को तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ ये जो मेरा दूसरा वीडियो इसी पे है,
कि पाकिस्तान ने भी जो 0.5353 पे कंट्रोल किया उसको हम आजाद नहीं करा पाए। अब चीन की सेना हमारी सेना से मिनिमम 4 या 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि चीन में इंजीनियरिंग ज्यादा स्ट्रांग है। अब चीन में इंजीनियरिंग क्यों स्ट्रांग है? वो इंजीनियरिंग स्ट्रांग है वो तो आप बहुत सारी चीजों में देख सकते हो कि जैसे मोबाइल फोन मेड इन चाइना किलो के भाव बिक रहे हैं, लिटरली चाइना के अंदर वो किलो के भाव भी बिकते हैं। और भारत में एक भी मोबाइल फोन नहीं बन रहा। नोकिया और 2-4 कंपनियों ने जो मद्रास में यूनिट लगाया वो असेंबली यूनिट है, ट्रू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर आपके घर में ही देख लो ना, जो भी आइटम है, पंखा है उसके, हो सकता है बजाज का नाम लिखा हो लेकिन उसकी जो अंदर की मोटर है बजाज पंखों की वो मेड इन चाइना है। फिर कैलकुलेटर भी सब मेड इन जापान होते हैं या मेड इन चाइना होते हैं। टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मेड इन कोरिया है, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन इंडिया शायद ही कुछ हो, कुछ भी नहीं है। तो इंजीनियरिंग कमज़ोर है, उसकी वजह क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है अदालतों में, हमारे अदालतों में न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, और उनकी वकीलों से जो साठगांठ है वो, उनकी वकीलों के साथ साठगांठ है, ये सबसे बड़ा कारण है। और साठगांठ है, वो अपने परिवार के वकीलों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो नेपोटिज्म। फिर जब अपॉइंटमेंट होती है जज की तो भी भाई भतीजावाद मेन फैक्टर होता है। क्यों मेन फैक्टर होता है, कैसे मेन फैक्टर बन जाता है कि इंटरव्यू कौन लेता है मजिस्ट्रेट की रिक्रूटमेंट में? हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तो वो अपने भाई भतीजों को ही अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। जैसे यदि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ और मुझे 100 मजिस्ट्रेट को रिक्रूट करना है तो मैं अपने रिश्तेदार को तो नहीं बुला रख सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं बगल वाला जो हाई कोर्ट में मेरे 5-10 दोस्त है मैं उनको बोलूँगा कि लाओ भाई तुम्हारे रिश्तेदार को नाम दो, मैंने सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए। अब उसके एक साल बाद क्या होगा, मैं अपॉइंटमेंट कमेटी में नहीं हूँ, मेरा जो दोस्त है हाई कोर्ट का दूसरा जज वो अपॉइंटमेंट कमेटी में, तो वो मेरे 10 रिश्तेदारों को मजिस्ट्रेट बना देगा। तो सारा रिक्रूटमेंट है वो भाई भतीजावाद के प्रिंसिपल पे होता है, सिद्धांत पे होता है। इसको जुडिशरी में प्रिंसिपल ऑफ नेपोटिज्म बोलते हैं कि भाई ये मेरा भतीजा है तो भाई मैजिस्ट्रेट मेरा भतीजा नहीं बनेगा तो मैं क्या तेरे भतीजे को मैजिस्ट्रेट बनाऊंगा। हाईकोर्ट के जज मुंह पे बोलते हैं कि भाई मेरा भतीजा को मैजिस्ट्रेट नहीं बनाऊंगा तो क्या मैं तेरे भतीजे को मैजिस्ट्रेट बनाऊंगा। अब इसकी वजह से इंजीनियरिंग कैसे पिछड़ा होता है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी देख लो, अमेरिका की, स्वीडन की, उसमें एक तो लेबर होता है जो कि खुद काम कर रहा है, वो सैलरी लेता है, सुबह 10 बजे आ गया, शाम को 5 बजे तक काम करेगा उसके सुपरविजन के अंडर। फिर सेकंड कैटेगरी होती है लेबर के सुपरवाइजर की, जिसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी होती है। तीसरी कैटेगरी होती है ओनर की। अब ओनर के अंडर में हो सकता है 40 लेबर हो सकता है 5 लेबर हो सकता है 50 लेबर हो सकता है 500 लेबर और 50,000 लेबर भी हो सकता है। रिलायंस जैसी कंपनी होगी तो उसके अंदर 500,000 लेबर होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग कंपनियों को क्लासीफाई करो कि 5 लेबर, 50 लेबर, 500 लेबर, 5,000 लेबर, 50,000 लेबर। तो लेबर है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे लेबर आलसी होते, ऐसा नहीं होता। कुछ लेबर मेहनत से काम करते हैं, उनको पता है कि भाई काम ना करे उनको इतना ही पैसा मिलने वाला है जो इतना सैलरी में है। तो भी कुछ लोग दिल लगा के, दिमाग लगा के, जान लगा के काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो परसेंटेज पूरी दुनिया में कांस्टेंट है। आप भारत में जाओ तो भारत में भी आपको मान लो 5% लेबर है जो कि दिल जान दिमाग लगा के काम करते हैं, तो अमेरिका में भी आपको 5% लेबर ही मिलेंगे जो कि दिल जान दिमाग लगा के करते हैं। बाकी 95% वही देखेंगे कि घड़ी की ओर देखेंगे कि कब 5 बजे और मैं निकलूं। मतलब वो बेईमान नहीं है, वो जितना काम दिया ईमानदारी से करते हैं, पर यह नहीं कि उनको कुछ दिखा कि भाई डबल काम हो सकता है तो वो डबल काम करे। अब सुपरवाइजर में भी ये टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन उतनी नहीं। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में होती है? ओनर में। ओनर में क्यों? क्योंकि उसका पैसा दांव पे लगा है, उसने 2-5 करोड़ उसका या जो दांव पे लगाया है, यदि उसमें से जितना प्रोडक्टिवली काम होता है वो उतना उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और अनप्रोडक्टिवली काम होता है, प्रोडक्ट यदि ठीक से नहीं बन रहा, प्रोडक्ट में लूज एंड है कि प्रोडक्ट मार्केट में जाके खराब हो गया तो उसका करोड़ रुपया डूबेगा, उसकी ब्रांड नेम खत्म होगी, उसको नुकसान जाएगा। तो इस तरह से जो ओनर है वो हमेशा मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव तरीके ढूंढता है। पर जिस ओनर के अंडर में 500 लेबर है
वो चाहे तो भी क्यों इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि अब लेबर पे उसका डायरेक्ट सुपरविजन नहीं बचा, उसको दो तीन लेवल के सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। अब सुपरवाइजर खुद तो ओनर है नहीं, तो इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी कंपेयर टू ओनर, और ओनर है वो लेबरर को पर्सनली सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेकिन जो 5 से 50 आदमी की फैक्ट्री होती है, 1 से 50 आदमी की फैक्ट्री, उसमें ओनर के पास ये ऑप्शन है कि वो लेबर को खुद सुपरवाइज कर सके, तो वो लेबर को ही कॉन्स्टेंटली लेबर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के चक्कर में रहता है। और तो इसलिए दुनिया की कोई भी इकोनॉमी देख लो तो उसमें ये जो 50 से नीचे, फिर 50 हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कहीं 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेट, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, कभी 20 भी हो, कभी 100 भी हो। पर ये जो स्मॉल एम्प्लॉयर जो होता है वो इकोनॉमी का मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव होता है नई नई खोज करने के लिए। खोज यानी मामूली सी खोज कि भाई इस तरह से काम नहीं करते, थोड़ा इस तरह से करते हैं। तो वो खोज ऐसी कोई बड़ी नहीं है कि उसको जर्नल में पेपर छप जाएगा या कोई उसको मेडल मिल जाएगा, पर उसको उसने जो छोटा सा चेंज लाया उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 1% कम हो गई। अब इंडस्ट्री में वो सब कॉपी करेंगे, सबकी कॉस्ट 1% कम हो गई। फिर वो क्रिएटिव भी होता है, वो नए नए तरीके खोजता है ताकि उसको ज़्यादा मुनाफा हो, उसकी कॉस्ट कम हो। जो 500 लेबर का एम्प्लॉई है वो भी क्रिएटिव होता है, पर अब लेबर से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी हैंड्स ऑन या डाउन टू अर्थ नहीं होती। तो ये जो 50 एम्प्लॉई वाला फैक्ट्री चलाने वाला है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसका बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, MP, MLA, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, हाईकोर्ट जज, उसका उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। उसको यदि कोई राइट या रॉन्ग प्रॉब्लम आती है, उसकी भी गलती हो सकती है, या तो हो सकता है वो बिल्कुल निर्दोष हो कोई और उसको फिजूल में परेशान कर रहा है, तो उसके पास अदालत में जाना पड़ता है। अब अदालत में जजमेंट जितना फास्ट आए, जितना नेपोटिज्म कम हो, भाई भतीजावाद कम हो, सांठ गांठ का फैक्टर कम हो, उतने ये इंजीनियर या ओनर, स्मॉल ओनर ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। मतलब अमेरिका की अदालत, अमेरिका में मान लो इस तरह से 1000 लोग हैं जिनकी 50 लोगों की फैक्ट्री है, चाइना में 1000 लोग हैं जिनकी 50 लोगों की फैक्ट्री है, और भारत में ऐसे 1000 लोग ले लो जिनकी 50 लोगों की फैक्ट्री है, तो भारत में जो है उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, उनकी एफिशिएंसी सबसे कम है, क्योंकि उनको सरकारी अधिकारी परेशान करेंगे, परेशान करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जज भी उनसे पैसा मांगेगा। जबकि चाइना में रिलेटिवली कम है, चाइना में भी जुडिशरी में काफ़ी करप्शन है कंपेयर टू अमेरिका, और अमेरिका में सबसे कम है। इसलिए अमेरिका में जो 50 एम्प्लॉई वाला ओनर है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, वो फास्ट काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है, जबकि चाइना में वो मिडल में है और इंडिया में वो सबसे पीछे है। अब ऐसा तो क्या है कि चाइना में भाई भतीजावाद अदालत में कम है, सांठगांठ कम है, उसके दो रीज़न है, एक तो वहाँ पे तीन रीज़न, एक तो न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है, भारत में कुछ 16-17 हज़ार न्यायाधीश है जिनमें से 2000 सीट खाली है अभी, यानी वर्किंग जज कितने हैं 14 हज़ार, चाइना में जज कितने हैं 2 लाख, और जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है करीब करीब 95-98% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जगह यदि खाली क्यों होती है, क्योंकि नई पोस्ट खड़ी होती है या तो रिटायर होते हैं, तो जो आदमी रिटायर होने वाला होता है 5 साल पहले पता है तुमको कि ये रिटायर है, 2 साल पहले पता है रिटायर होने वाला है, तो 2 साल पहले ही रिक्रूटमेंट प्रोसीजर शुरू कर दो। तो इस तरह से रिक्रूटमेंट यदि ठीक से हो रहा हो तो वैकेंट पोजीशन होनी नहीं चाहिए, पर यहाँ पे भाई भतीजावाद इतना है कि नहीं मेरे भतीजों को घुसाओ, नहीं मेरे भतीजों को घुसाओ, इसमें फिर चीफ जज कंटाल जाता है, परेशान हो जाता है, वो किसके भतीजों को घुसाए और किसके भतीजों, इसलिए फिर वो बोल देता है कल आना परसों आना। ये लोअर कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में इतनी टांग खिंचाई होती है हाईकोर्ट के जजों के अंदर कि जो चीफ जज होता है वो डिसीजन पोस्टपोन कर देता है। आप इंडिया की कोर्ट में देखना, चीफ जज हमेशा बाहर का आदमी होता है, भाई ऐसा क्यों? गुजरात के जो चीफ जज है वो अभी बंगाल का है, गुजरात में से एक हाईकोर्ट के जज को प्रमोशन मिला चीफ जज के लिए तो उसको कर्नाटक भेजा। चीफ जज 1970 के बाद हमेशा बाहर के आदमी को बनाया जाता है,
भाई गुजरात में कोई लायक आदमी नहीं है जो गुजरात का चीफ जज बन सके, कर्नाटक में कोई लायक आदमी नहीं है जो कर्नाटक का चीफ जज बन सके, पर वो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हाई कोर्ट के जजों में इतनी टांग खिंचाई हो रही होती है और वो डिसीशन एंड में चीफ जज को लेना होता है, तो वो देखते हैं कि भाई यदि चीफ जज के अपने रिश्तेदार इस स्टेट में मैजिस्ट्रेसी में है, लोअर कोर्ट में है, तो वो अपने रिश्तेदारों को इतने सारे प्रमोशन देगा कि बाकी हाई कोर्ट के जज है वो नाराज हो जाएंगे, दंगा मचा देंगे। इसलिए गुजरात के कितना भी काबिल हाईकोर्ट का जज हो उसको गुजरात का चीफ जज नहीं बनाया जाता, क्योंकि भय है कि यदि उसको गुजरात का चीफ जज बनाया तो वो अपने सारे रिश्तेदारों को जो मैजिस्ट्रेसी में है उनको प्रमोट कर करके सेशंस कोर्ट में ले आएगा, सेशंस कोर्ट में उसके जितने रिश्तेदार हैं सबको वो हाईकोर्ट में ले आएगा। इसलिए वो बाहर के आदमी लेकर लाते हैं ताकि कम से कम वो अपने रिश्तेदारों को फेवर ना कर सके। अब जबकि चाइना में जो रिक्रूटमेंट है उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता, क्यों नहीं चलता या कम चलता है? बहुत कम चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहाँ रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है, चाइना आज भारत से आगे है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना में जुडिशरी का रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है और हमारे यहाँ रिटर्न एग्जाम सिर्फ एक दिखावा है, असल में जुडिशरी का रिक्रूटमेंट इंटरव्यू से होता है। इंटरव्यू का मतलब है भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और कुछ नहीं। इंटरव्यू इज इक्वल टू करप्शन प्लस नेपोटिज्म। बहुत कम जगह पे जहां टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं वहां पे थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है, बाकी जुडिशियरी, आईएएस, आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो तहसीलदार की अपॉइंटमेंट होती है, पटवारी की अपॉइंटमेंट होती है, कस्टम्स में, हर जगह जहाँ इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद के सिवा कुछ नहीं होता। और चीन में भी यही प्रॉब्लम था, इसीलिए चीन में 2000 साल पहले कन्फ्यूशियस आया, उसने इंटरव्यू बंद करा दिए, मतलब बहुत कम करा दिए, इंटरव्यू के वेटेज बहुत कम हो गई। और 2000 साल पहले कन्फ्यूशियस ने ये सिस्टम डाली कि रिक्रूटमेंट सारा रिटर्न एग्जाम से होगा, और उसी की वजह से चाइना कभी किसी विदेश का पूरी तरह गुलाम नहीं हुआ। तो रिटर्न एग्जाम से होता है, उससे क्या होता है, एक तो एकदम अंगूठा छाप लोग हैं वो नहीं आ पाते, कुछ तो मेरिट होना चाहिए ना। अभी तो अदालतों में क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट के जज के रिश्तेदार होते हैं जिसको बेल एप्लीकेशन लिखना नहीं आता वो मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं, वो सेशंस कोर्ट के जज बन जाते हैं, एकदम अंगूठा छाप ही समझ लो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। जबकि रिटर्न एग्जाम से जो आदमी होता है तो मिनिमल लेवल ऑफ मेरिट इज गारंटीड। फिर जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है चाइना में वो रैंडमाइज पैनल से होता है। रैंडमाइज पैनल यानी कि 2000 लोगों का इंटरव्यू रिक्रूटमेंट होना है तो उन्होंने बुलाया 2500-3000 लोगों को रिटर्न एग्जाम से फिल्टर करने के बाद, यानी रिटर्न एग्जाम में यदि वो टॉप 3000 में नहीं है तो वो तो इंटरव्यू में भी नहीं आएगा। तो और 2000 कैंडिडेट को लेना है तो ऐसा नहीं कि 10000 को बुलाएंगे, वो 3000 को ही बुलाते हैं रिटर्न एग्जाम में से। तो 3000 को बुलाया, उसके बाद इंटरव्यू लेने के लिए 100 लोग हैं तो उनकी 5-5 लोगों की टीम बनती है और वो टीम लास्ट मोमेंट पे बनती है रैंडम सिलेक्शन से, और कैंडिडेट को बोला जाता है तू इस पैनल के पास जा, तू इस पैनल के पास जा, और वो जो पैनल एलोकेट होती है वो भी रैंडमली होती है लास्ट मोमेंट पे, और इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू जैसे ही खत्म होता है तुरंत उसको मार्क देने होते हैं और उसका मार्क है वो आदमी बाहर ले जाता है और बाद में कोई नेगोशिएशन करने का स्कोप नहीं रहता। तो इंटरव्यू देने वाले को पता नहीं है कि कौन उसका इंटरव्यू लेना, क्योंकि वो 100 में से कोई भी 5 लोगों की टीम हो सकती है। यहां पे तो क्या है कि जो हाईकोर्ट के जज इंटरव्यू लेने जाते हैं उसको पता है कि ये 100 लोगों का मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, और वो 100 लोग हैं उनको भी पता है कि वो साहब है वो हाईकोर्ट के जज है या रिटायर्ड जज है वो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो एक महीने पहले से ही फिक्सिंग शुरू हो जाता है। जबकि वहां पे लास्ट मोमेंट पे ये सारे रैंडमाइज डिसीजन होते हैं रैंडमाइज पैनल से, तो फिक्सिंग करना मुमकिन नहीं है। तो उसकी वजह से चाइना में जो जुडिशरी में रिक्रूटमेंट होता है वो रीजनेबली मेरिट बेस्ड होता है, वो भाई भतीजावाद से या पैसे से रिक्रूटमेंट नहीं होता। अब सेकंड स्टेज में आता है प्रमोशन। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि मैजिस्ट्रेट का एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम, लेकिन बाद में इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू ही समझ लो, रिटर्न एग्जाम की कोई वैल्यू ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत उसको टेक्निकल नॉलेज होगा इतना एश्योर हो जाता है। फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किसका होता है, जिसने पहले वकील हो, 2-3 साल वकालत की हो, LLB की हो। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में कोई भी मेरिट वाला आदमी जुडिशरी में जज की तरह जा सकता है, यदि उसको लॉ की ट्रेनिंग नहीं है तो उसको अलग से 3 साल लॉ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मेरा जो एक सजेशन है वो ही है,
कि भाई आईएएस की रिक्रूटमेंट होती है तो क्या है, पूछा जाता है कि पहले तुमने 5 साल किसी कचहरी में ब्रोकर दल्ले का काम किया है, आप किसी भी तहसीलदार की या कलेक्टर की कचहरी में जाओगे तो आसपास तुमको वकील और दल्ले घूमते नजर आएंगे जो दल्लेगिरी का काम करते या वकालत का काम करते। ये कंडीशन नहीं है कि आपने कलेक्टर की कचहरी में वकील या दल्ले का काम किया हो तो ही आप कलेक्टर बन पाओगे। यदि आप में मेरिट है तो आप कलेक्टर की एग्जाम में बैठो, यूपीएससी के एग्जाम में पास हो गए तो आपको कलेक्टर बनने मिलेगा। यही क्राइटेरिया जुडिशियरी में होना चाहिए कि यदि आदमी में मेरिट है, वो रिटर्न एग्जाम में पास हो गया तो जज बन सकता है। अब उसको एलएलबी नहीं किया उसने तो कराओ उसको 3 साल एलएलबी रिक्रूटमेंट के बाद, तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी, महीने के 1-2-3 हज़ार की सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगी और मीनवाइल वो असिस्टेंट का काम करेगा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, मतलब उसकी ट्रेनिंग और असिस्टेंट एज ए अप्रेंटिस, अप्रेंटिस की नौकरी साथ साथ चलेगी। लेकिन जुडिशियल जज लोग क्या चाहते हैं कि उनके रिश्तेदार जज बने, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन डाल दी है कि मिनिमम एलएलबी होना चाहिए और उसने 1-2-3 साल वकालत की होनी चाहिए तो ही वो मजिस्ट्रेट बन सकता है, ताकि उनके रिश्तेदारों में आने की संभावना बढ़ जाए, जो लोग उनके रिश्तेदार नहीं है वो फिल्टर आउट हो जाए। अब चाइना में ऐसा नहीं है। फिर चाइना में मैंने बताया रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्जाम से होता है, फिर यहां पे प्रमोशन कैसे होता है, मैजिस्ट्रेट के बाद आता है सेशंस जज, सेशंस जज के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो मान लो सेशंस को गुजरात में रफ नंबर में दे रहा हूं 700 मैजिस्ट्रेट है, सेशंस कोर्ट के जज में कुछ 200 जज है और हाई कोर्ट में 35 जज है। तो सेशंस कोर्ट में मान लो 200 में से 20 लोग रिटायर होने वाले हैं, 20 जगह खाली होने वाली है, तो 10 लोग वो लोग मैजिस्ट्रेट में से प्रमोशन से लेंगे और 10 किसी भी एक्सटर्नल आदमी को जो कि वकील है हाईकोर्ट का या जान पहचान का है उसको जज की तरह अपॉइंट कर देंगे। और इसी तरह से हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में मान लो 5 जगह खाली हुई, 6 जगह खाली हुई, तो 3 वो लोग सेशंस कोर्ट से प्रमोशन लेंगे और 3 डायरेक्ट रिक्रूटी है। डायरेक्ट रिक्रूटी कौन है, जान पहचान से कोई भी आदमी आ जाता है, बस वो कहा क्या जाता है कि वो बहुत होनहार वकील था। पर होनहार वकील का क्या मतलब है, होनहार वकील का मतलब ये थोड़ा है कि वो बुद्धिमान है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। भाई प्रैक्टिस तो अच्छी चलती होगी क्योंकि वो किसी बड़ा कॉरपोरेट है, उसके लिए वो काम कर रहा है, कोई भी काम कर सकता है, अच्छा बुरा किसको पता है। और तो जो एक्सटर्नल रिक्रूटी है वो अधिकतर भाई भतीजावाद से होते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि उनमें मेरिट है, कोई गारंटी नहीं है कि उनमें इंटीग्रिटी है, उनका एक्सपीरियंस भी गारंटी नहीं है। बहुत सारे हाईकोर्ट के जज ऐसे हैं जिन्होंने कभी लोअर कोर्ट में पाँव नहीं रखा, वो सीधा हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करी और वो हाई कोर्ट के जज बन गए। और उनको जिम्मेदारी दी जाती है लोअर कोर्ट इंप्रूव करने की, तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो इस तरह से लोअर कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाई कोर्ट के अंडर में है, हाई कोर्ट के जजों को लोअर कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में। चाइना में वो प्रॉब्लम नहीं है। चाइना में क्या होता है कि रिटर्न एग्जाम से मैजिस्ट्रेट बनता है और उसके बाद सारी पॉइंट है वो प्रमोशन से है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नहीं है। ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर यानी कि एक डिपार्टमेंट का गवर्नर, जैसे कि कस्टम का अधिकारी है, क्लास 1 ऑफिसर है, उसको इनकम टैक्स में रखा, तो वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुई, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो कस्टम में 10 साल पहले काम कर चुका था। इस तरह से चाइना में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का सिस्टम है कि किसी ने कस्टम में 10 साल काम किया हो और वो जुडिशियरी में परमानेंट या टेम्पररी अपॉइंटमेंट की तरह आता है। पर वो कैडर का ही आदमी है, वो बाहर का ऐसा नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मेरे 2 बेटे हाईकोर्ट में वकील है या मेरा भतीजा हाईकोर्ट में वकील है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, मैंने उसको कहीं हाईकोर्ट का जज बना दिया। उस तरह का सिस्टम चाइना में पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से जो कंप्लीट जुडिशरी है वो एक कैडर की तरह काम करती है और उसकी वजह से वहाँ पे जो साठ गांठ का फैक्टर है वो रिलेटिवली कम है। देखो अमरीका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए चाइना आज भी अमरीका से बहुत पीछे है। चाइना हर एक चीज़ में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। वो सस्ते मोबाइल बनाता है पर नए मोबाइल नहीं बनाता, जैसे आईपॉड है, आईपैड है, तो सबसे पहले वो अमेरिका में बनता है, 3 साल बाद कहीं जाके चीन उसकी नकल कर पाता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग भले चाइना में होता हो पर उसका डिज़ाइन, उसका पूरा सॉफ्टवेयर, उसका पीसीबी डिज़ाइन, वो सब अमेरिका में होता है, वो चाइना में नहीं होता। चाइना सिर्फ लो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आज भी, लेकिन वो भारत से आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वहाँ की अदालतों में भ्रष्टाचार
नेपोटिज्म वगैरह भारत की अदालतों के मुकाबले चीन की अदालतों में कम है। अब सवाल आता है कि हम अपनी सेना कैसे मजबूत करें, क्योंकि अभी तो चीन ने लद्दाख में हमको एक चपत दी। देखो एक तरह से कहो तो हमें ये जागने का मौका मिला है, यदि ये मौका भी खो दे, 1962 में हमें जागने का मौका मिला जो कि हमने आधा यूज़ किया आधा गंवा दिया। मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने सेना मजबूत की, देवी इंदिरा अम्मा ने सेना को और मजबूत किया, परमाणु बम का विकास किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, भारत की सेना इतनी मजबूत हो गई कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में हम समर्थ हो गए। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी के आने के बाद वो काम रुक गया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह वो तो विदेशों के एजेंट थे, नरसिम्हा राव को भारत की राजनीति का शकुनी कहना चाहिए, चाणक्य नहीं कहना चाहिए, शकुनी कहना चाहिए। चाणक्य तो वो जो कि अपनी देश की सेना को मजबूत करे, जो अपनी देश की सेना के पांव तोड़े वो शकुनी हुआ। तो इस तरह से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों भारत की राजनीति के शकुनी कह सकते हैं, गुरु शकुनी और ये चेला शकुनी, जो कि मनमोहन सिंह जो कि अब खुद एक गुरु शकुनी बन गया। तो ये तो थे अमरीका के एजेंट, तो इन्होंने भारत की सेना को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू किया। और कैसे कमज़ोर किया कि उन्होंने हथियारों का उत्पादन खत्म करवा दिया, पूरे देश में से कम करवा दिया, और जनरल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में उन्होंने ख़त्म करवा दिया। कैसे ख़त्म करवा दिया कि जितने कानून थे गलत कानून, फैक्ट्री एक्ट है, लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वो उसने ऐसे कैसे चालू रखे, उसमें कोई सुधार नहीं किया। चाइना में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, मान लो प्रोविडेंट फंड का झगड़ा है, प्रोविडेंट फंड तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे सिस्टम ही पूरा अलग है, पर लेबर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा होता है, हर एज्यूम करके नहीं चलते कि लेबर गलत है और वो करना भी नहीं चाहिए, पर इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो हफ्ते दो हफ्ते में रिजॉल्व हो जाते हैं। दो हफ्ते में चाइना के कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि ये करना है या ये करना है या ये करना है। यहाँ पे कोई लेबर डिस्प्यूट होता है तो पाँच पाँच साल तक जजमेंट नहीं आता, पाँच पाँच साल तक दोनों पे लटकती तलवार रहती है। और इसमें बड़ी कंपनियां क्या करती है कि वो बड़े हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से नेक्सस बना के लोअर कोर्ट के जज उनके अंडर में आते हैं, वो लोअर कोर्ट के में ऐसे जजमेंट निकलवाते हैं कि उससे पूरे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, मिडिल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी कमर टूट जाती है। और वो चाइना में रिलेटिवली मुश्किल क्यों है, क्योंकि चाइना में जो लोअर कोर्ट के जज है वो हाई कोर्ट के जज के रिश्तेदार नहीं होते, वो रिटर्न एग्जाम से आए हैं, उनकी रैंडमाइज ट्रांसफर होती है हाई कोर्ट के जज में के पास, उसके पास बहुत डिस्क्रिशनरी पावर लिमिटेड है। यदि जज को निकालना है, मैजिस्ट्रेट को, तो वो मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, चाइना के हाई कोर्ट के जज डिसाइड नहीं करते, इसलिए वहाँ का जो लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट के जज के से रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो चाइना में नेक्सस और वो सब भी चलता है, पर इतना डेंस नेक्सस नहीं है जितना इंडिया में है। ये एक रीज़न है, मैं दूसरे वीडियो में और एक्सप्लेन करूँगा कि चाइना क्यों आगे हैं, वहाँ पे जमीन की मालिका से रिलेटेड जो कानून है उसकी वजह से। पर अब सवाल आता है कि हम इस चुगल में से कैसे निकले, तो हमें अपनी इंजीनियरिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कैसे हम इंजीनियरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैंने अपने चैप्टर 22 में दिया है। चैप्टर 25 कि भारत में कौन कौन कानून लाकर हम इंजीनियरिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, चैप्टर 24 में दिया है और चैप्टर 26 इम्प्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया। तो इसके द्वारा हम इंजीनियरिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर हम सेना मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।